तो गाइस पोकेमोन के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं हर वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन्स के फाइनल एवोल्यूशन को, और फिर देखेंगे अपने फाइनल एवोल्यूशंस में कौन सा पोकेमोन सबसे ज्यादा बेस्ट है। इससे पहले गाइस हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने सबसे बेस्ट फायर टाइप एवोल्यूशन को देखा था, तो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, पहला पार्ट है वो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा से ही यार हमने देखा है वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, इसलिए इनमें बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है और हम इन्हें रैंकिंग्स देने वाले हैं। सो गाइस वीडियो में लाइक कर देना और जो भी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और भी ऐसे कमाल की वीडियोस के लिए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 8 में है फर एलिगेटर, जो कि टोटोडाइल का फाइनल एवोल्यूशन है। तो यार ये वाला पोकेमोन जोटो रीजन से है जिसे बहुत ज्यादा हेट मिला था, जो कि ये डिजर्व नहीं करता। इसे इतना ज्यादा हेट नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि ये उतना बुरा भी नहीं है। इसके यार हर स्टैट एकदम बैलेंस में है और साथ ही में इसके फिजिकल अटैक अच्छे हैं और डिफेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इसलिए यार टोटोडाइल की पर्सनालिटी भी ना काफी अच्छी थी। हम सभी को पता है यार वो कितना फनी पोकेमोन था और मुझे यार हमेशा से टोटोडाइल बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन फर एलिगेटर में इवॉल्व होने के बाद में लोग इसे कम पसंद करने लगे क्योंकि ये दिखने में पहले के जैसा नहीं था। और इसके साथ के जो अदर स्टार्टर पोकेमोन्स है लाइक चिकोरिटा और सैंडोकोइल, उनके फाइनल एवोल्यूशंस बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अगर मैं चिकोरिटा को ऐड ना भी करूं, लेकिन टाइप्लोजन बहुत ही ज्यादा कमाल का था और इसलिए इस वाले पोकेमोन को इसके रीजन में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। नंबर 7 में है सैमोरॉड, जो कि ओशोवॉर्ड का फाइनल फॉर्म है। तो सैमोरॉड पहली बार पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में आया था और इसके साथ भी वही केस है जो टोटोडाइल के साथ में था। इसके साथ के जो दूसरे स्टार्टर पोकेमोन्स थे जैसे सर्पीरियर और एम्बोर, वो इससे कहीं ज्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वो हर एक मामले में सैमोरॉड से ज्यादा बेटर हैं। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, शायद इसकी किस्मत ही खराब है। इसके साथ के दूसरे पोकेमोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, लेकिन फिर भी यार सैमोरॉड की स्पीड, स्पेशल डिफेंस और ये सब चीजें ना एकदम बराबर में है, सब कुछ एवरेज है। नंबर 6 में है इंटीलियन, जो कि सोबल का फाइनल फॉर्म है। तो ये वाला पोकेमोन अभी रिसेंटली आया है पोकेमोन सोर्ड एंड शील्ड में, और आते से ही यार इन तीनों स्टार्टर पोकेमोन्स ने अपनी जगह बना ली है। लिटरली यार सोबल, ग्रूकी और स्कॉर्बनी, इन तीनों ने इतनी जल्दी अपनी पोजीशन बना ली। सो गाइस पहली बार यार जब मैंने इंटीलियन को देखा था, जब इसके लीक्स वगैरह आए थे, तो मैं रियली यार बहुत डिसअपॉइंट हुआ था बिकॉज मुझे ये उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। यार देखने में ये थोड़ा सा अजीब पोकेमोन था, अगर तुम्हें एक रेंगो नाम की मूवी याद है तो ये कुछ उसी तरीके से था, लेकिन फिर भी यार ये देखने में कम इम्प्रेसिव था। लेकिन रिसेंटली मैंने जब से इसे पोकेमोन की सीरीज में देखा है, सच में ये पोकेमोन मुझे पसंद आया। इसका एटीट्यूड, कूलनेस काफी ज्यादा कमाल की है, यहाँ तक कि गोगा सोबल भी इसे देखकर एक बार में ही इम्प्रेस हो गया था। बट अगर हम इस पोकेमोन को ना इसके स्टैट्स वाइज देखें तो ये सच में कमाल का है और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ये तुम्हारे अपोनेंट्स के लिए अगर तुम इसे सही तरीके से यूज करोगे तो। ये पोकेमोन फास्ट है और इसके पास में हाई स्पेशल अटैक है जिससे चाहो तो तुम एक बार में डायरेक्ट हिट से को कर सकते हो, एक बार में अपोनेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन यार बस इसमें एक ही कमी है, इस पोकेमोन का डिजाइन, काफी सारे फैंस को ये पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि इसके जायगेंटमैक्स फॉर्म में भी ये लोगों को उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारे हिसाब से इसका एवोल्यूशन कैसा है। नंबर 5 में है प्रीमरीना, जो कि पपलियों का फाइनल फॉर्म है। इस वाली पोकेमोन के पास में सच में कमाल का हाई स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस है जो कि तुम्हारे अपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। और मैं यार इस पोकेमोन को ना लिस्ट में और ऊपर रखना चाहता था, लेकिन इसके ऊपर और जो पोकेमोन्स आने वाले हैं उनके पास में कहीं ना ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसे थोड़ा सा नीचे रखा है दूसरे पोकेमोन्स के मुकाबले। लेकिन इस पोकेमोन के पास में ना काफी कमाल की पावर है, साथ में इसके पास में टोरेंट नाम की एक एबिलिटी है जिससे वाटर टाइप मूव्स को 50% बूस्ट मिल जाता है। ये डुअल टाइप है वाटर और फेरी टाइप, इसलिए इसकी सिर्फ 3 वीकनेसेस हैं, 1 इम्यूनिटी और साथ ही में 6 रेजिस्टेंसेस हैं, इसलिए ये पूरी फ्रेंचाइजी का सबसे ज्यादा मोस्ट इंस्पायरिंग और कमाल का पोकेमोन बन जाता है। इसका डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है और इसलिए गाइस ये हमारी लिस्ट में इतना ज्यादा ऊपर आ पाया। नंबर 5 में है ग्रेनिंजा, जो कि फ्रोकी का फाइनल फॉर्म है। तो अगर ये लिस्ट ना फैन फेवरेट की होती तो ऑफ कोर्स ये नंबर 1 पर आता क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही हाई है। सभी पोकेमोन फैंस ग्रेनिंजा की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस पोकेमोन की इसकी पॉपुलैरिटी एनिमे से मिली थी क्योंकि एश केचम के पास में खुद का ग्रेनिंजा था जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ऑफ कोर्स यार हमारी लिस्ट पॉपुलैरिटी को नहीं देखने वाली, मैं यहाँ पर यार कोई भी चीटिंग नहीं करने वाला कि ये वाला पोकेमोन ज्यादा पॉपुलर है तो इसे हम ऊपर रख देंगे। हम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बेस्ट वाले स्टार्टर पोकेमोन्स को देख रहे हैं और उसके हिसाब से ग्रेनिंजा इस नंबर के लिए परफेक्ट है।
सो गाइस, तुम सभी को लग रहा होगा कि हर एक ग्रेनिंजा इतना ज्यादा पावरफुल होता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एश केचम का ग्रेनिंजा तुम सभी को पता ही था, वो सबसे ज्यादा यूनिक है। हर किसी के पास में ऐसा पोकेमॉन नहीं होता है। अगर तुम ये सोचते हो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के ग्रेनिंजास में इतनी ज्यादा पावर है, तो नहीं, तुम गलत हो। हर एक ग्रेनिंजा के पास में एश केचम जैसे पोकेमॉन की पावर नहीं होती है। एश केचम का ग्रेनिंजा यूनिक था और उसे इतनी पावर उसके बॉन्ड इवोल्यूशन की वजह से मिल पाई थी, जो कि एश केचम के साथ में मिलकर आती थी। तो अकेले तो ग्रेनिंजा यार उतना पावरफुल नहीं होता है। और अगर तुम्हें एक चीज ना पता हो तो, बहुत पहले जब पोकेमॉन के इवेंट वगैरह चल रहे थे, तब उसमें कुछ लिमिटेड प्लेयर्स के लिए बॉन्ड इवोल्यूशन पॉसिबल था, लेकिन अभी के टाइम में तुम चाहकर भी इसे नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए था। नंबर 3 में है ब्लास्टोइस, जो कि स्क्वाटल का फाइनल फॉर्म है। तो ब्लास्टोइस को तुम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ये वाले पोकेमॉन्स एक अलग लेवल पे हैं। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। हर एक पोकेमॉन फैन ब्लास्टोइस को तो जानता ही है, क्योंकि चार्जार्ड, ब्लास्टोइस और वीनसोर सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन्स हैं। इस पोकेमॉन की स्ट्रेंथ, इसका डिफेंस, सब कुछ एकदम कमाल का है। रियली यार, चार्जार्ड और ब्लास्टोइस के बीच की बैटल देखने में हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता था। तुम्हें गैरी, एश या तो फिर रेड और ब्लू की फाइट तो याद ही होगी। दोनों में हमेशा कितना तगड़ा वाला कंपटीशन चलता रहता था और दोनों के पास में चार्जार्ड और ब्लास्टोइस रहते थे। बस पोकेमॉन की मांगा में चीजें थोड़ी सी चेंज हैं, क्योंकि उसमें रेड के पास में एक खुद का वीनसोर, ब्लू के पास में चार्जार्ड और ग्रीन के पास में ब्लास्टोइस होता है। और यार, ब्लास्टोइस वैसे हमारी लिस्ट में थोड़ा और ऊपर आ सकता था, लेकिन इसके पास में सिर्फ एक ही टाइप है। ये सिर्फ सिंगल वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए इसके पास में ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। लेकिन फिर भी ब्लास्टोइस एक काफी ज्यादा कमाल का पोकेमॉन है और आज भी फैंस इसे चूज करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एश और गैरी की पहली चॉइस स्क्वाटल ही था। नंबर 2 पर है एम्पोलियन, जो कि पिपलप का फाइनल फॉर्म है। तो एम्पोलियन के पास में एक कमाल का टाइप कॉम्बिनेशन है, जिससे ये दूसरे वाटर टाइप पोकेमॉन से सबसे ज्यादा यूनिक बनता है और इसका डिजाइन भी सच में कूल है। और गाइस, काफी सारे फैंस ये मानते हैं कि ये आज तक का सबसे ज्यादा बेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो इस लिस्ट में आगे पोकेमॉन आने वाला है, वो इससे थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। भाई, ये पोकेमॉन रियली ओवर पावर्ड है, क्योंकि इसके पास में स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस और ऐसा बहुत कुछ है यार। और साथ ही में यार, इस लिस्ट में इसका इतना ऊपर आना इसलिए हो पाया, क्योंकि इसकी सिर्फ 3 वीकनेसेस है, 1 इम्यूनिटी और साथ ही में 10 रेजिस्टेंसेस। भाई रियली 10 रेजिस्टेंसेस, ये सच में बहुत ही कमाल का है। किसने सोचा होगा यार, पिपलप जैसा क्यूट पोकेमॉन आगे चलकर इतना कमाल का पोकेमॉन बनेगा। तो गाइस, फाइनली यार यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन का फाइनल इवोल्यूशन है। आई थिंक तुम लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो नंबर 1 पर है स्वॉम्पर्ट, जो कि मटकिप से इवॉल्व होकर बनता है। सो गाइस, आई थिंक स्वॉम्पर्ट वन ऑफ द बेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन। इसका कॉम्बिनेशन, डिजाइन सच में हर एक चीज कमाल की है। सबसे इम्प्रेसिव तो इसका यार कॉम्बिनेशन, जो कि वाटर और ग्राउंड टाइप है। स्वॉम्पर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन माना जाता है। इसकी एचपी, फिजिकल अटैक, स्पीड, हर एक चीज ऊपर है। इस पोकेमॉन की सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है ग्रास टाइप पोकेमॉन। हमेशा यार हम ये सोचते हैं कि वाटर टाइप पोकेमॉन इलेक्ट्रिक पोकेमॉन से कमजोर होता है, और अगर एक इलेक्ट्रिकल पोकेमॉन एक अटैक कर दे तो वाटर टाइप पोकेमॉन वहीं के वहीं खत्म। लेकिन भाई, स्वॉम्पर्ट के केस में ये नहीं चलने वाला। ग्राउंड टाइप होने की वजह से स्वॉम्पर्ट को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज इसे दूसरे वाटर टाइप पोकेमॉन से सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। स्वॉम्पर्ट लिटरली किसी भी पोकेमॉन से फाइट करने की पावर रखता है। इसे सिर्फ एक ही पोकेमॉन हरा सकता है, वो है एक अच्छा सा ग्रास टाइप पोकेमॉन। लेकिन इसके अलावा इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ तक कि ये स्टीवन जैसे चैंपियन के पोकेमॉन से भी लड़ लेता है। तो तुम समझ ही सकते हो इस वाले पोकेमॉन की पावर कितनी ज्यादा है। और मेगा एवोल्यूशन के बाद में मेगा स्वॉम्पर्ट की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए ये अभी तक का सबसे ज्यादा बेस्ट वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है। तो इस पूरी लिस्ट में तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? अगर तुम्हें इनमें से कोई एक चूज करने को मिलता तो तुम कौन सा चूज करते, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई ना, ये मैंने अपने हिसाब से लिस्ट बनाई थी, तो अगर तुम्हारे पास में खुद के कोई ओपिनियंस है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। हो सकता है यार मेरी लिस्ट एकदम परफेक्ट ना हो, तो अगर तुम्हारे पास में खुद की एक पर्सनल लिस्ट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और इस वाली वीडियो में लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रास टाइप पोकेमॉन को देखने वाले हैं, सो मेक श्योर तुम लोग लाइक करके जाओ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और भी ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पर चैनल के अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।